चलो यही है, सही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो में यहीं से शुरू करूंगा और इस वीडियो में अल्ताजाज के बारे में जो पूछ रहे थे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसकी जो ब्रांच है ना, मुख्तलिफ जगहों में इसकी ब्रांच है, बहुत सारी जगह। मेरे बाल बाल ना देखें क्योंकि मैं जस्ट नहा के गया था और मैं अपने सर्विस की कार पे बैठा हुआ था, लेकिन एक बंदा अभी तक आया नहीं है, तो मैं अभी उसी के रूम पे जा रहा हूँ। केनिया का बंदा है कि बंदा अभी तक आया भी नहीं, क्योंकि गाड़ी की जो टाइमिंग होती है उस टाइम में गाड़ी चले जाता है। देखता हूँ क्या मसला है उसका। देखो अल्ताजाज जो है ना, वो जद्दा में है, मदीना में है, मक्का में है, यांबू में है, ये काफ़ी मुख्तलिफ सिटी मुख्तलिफ जगहों पे हैं। तो बंदा सो गया था, अभी मैं उसे उठाने गया था। मसला ये होता है कि कोई भी गाड़ी, किसी भी कंपनी की गाड़ी की एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग में गाड़ी छूट जाता है। अगर ये बंदा अगर अभी नहीं आता तो इसे अपना पैसे से आना पड़ता। हालांकि बहुत सारे सर्विस की गाड़ी है, लेकिन हमारा जो सर्विस का एक ही टाइम का है। तो अल्ताजाज के बारे में जो मैं आपको बता रहा था, मैं इसकी ब्रांच के बारे में आपको एक बार और बता देता हूँ कि इसकी ब्रांच किन किन जगहों पे है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसकी कहानी मक्का से शुरू होती है। मक्का से इन्होंने अपना ब्रांच शुरू किया, उसके बाद मुख्तलिफ हिस्सों में ब्रांच इनका हो गया। दमाम में भी है, तीन ब्रांच आई थी, जद्दा है, मक्का में है, मदीना में है, यांबू में है, रियाद में है, और मैंने देखा नॉर्थ में भी है, साउथ में भी और ईस्ट में भी है। तो जो भी बंदे आ रहे हैं उनके ख्यालों में ये बात होना चाहिए कि वो एक जगह नहीं, कहीं भी काम कर सकेंगे। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि कंपनी बड़ी है और सऊदी अरबिया की कंपनी है। मेरे सऊदी दोस्त ने मुझे ये चीज़ बताया था, तो अभी चेहरे पे लाइट ज़्यादा आ रहा क्योंकि मैं उसी जानिब जा रहा हूँ, है ना। तो ये बंदा भी चार मिनट और लेगा आने में, 5 मिनट। अच्छा, मैंने आपको बता रहा ना इस रेस्टोरेंट के बारे में, अभी जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ ना, तो छोटी सी वहाँ पे एक रेस्टोरेंट आती है, मैं आपको दिखा दूँगा, वीडियो थोड़ा सा रिकॉर्ड करूँगा, उसी में मैं आपको दिखा भी दूँगा। बाकी इसमें सैलरी वगैरह जो है सब सही है, अगर सैलरी में आप एग्री तो आ जाएँ, नहीं एग्री तो मत आएँ। अब थोड़ी मेरी कहानी सुनिए। अर्जेंटीना और क्रोएशिया का गेम है, काफ़ी बड़ी गेम है, सेमीफाइनल है, और सबको क्रोएशिया का सपोर्ट करना है, और कल हम लोग सब मोरक्को का सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वक्त 4:30 बज रहा जा रहा हूँ मैं, और मेरी ड्यूटी तकरीबन 2 बजे तक रहेगी। और वेटर के ताल्लुक से ना एक बात बताऊँगा जो बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब वो आपको वीडियो दिखाऊँगा रास्ता का, उसके बाद फिर वीडियो को वहीं पर एंड कर दूँगा। मुझे लगता है कि आप को मिल गई होगी जानकारी पूरी। हाँ, मुझे उसका आगे का स्ट्रक्चर दिख गया है। चलो गौर से दिखना, ठीक है। वो जो LCD दिख रहा ना, उसके बाजू में है, सही है। आधा इधर से दिखेगा, आधा इधर से दिखाऊंगा आपको। चलो इधर से देखो, सही रहेगा। हाँ चलो, यही है, सही है। आज बजकर 15 मिनट हो गया, आपने घड़ी में देखा। बहरहाल आ गया हूँ मैं भी अपने काम पे, बिल्कुल पहुँच ही गया हूँ, और मैं अपना खाना वाना खा के बिल्कुल मस्त हो गया हूँ, है ना। अब बस ड्यूटी करना। हालांकि 2 से 3 घंटे ही हमारा रेस्टोरेंट आज बिजी होगा, लेकिन हम लोग अपने अल्फाज में कहते हैं ना, उपद्र भीड़, और मतलब जो भी हर बंदे के अपने अपनी अल्फाज होती है जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं भयानक भीड़, तो उसी तरह की होने वाली क्योंकि बड़ी गेम है। बहरहाल दोस्तों, यही कहानी थी, और मैंने देखा, मैं सोच रहा था कि आपसे शेयर करूं। जी हाँ, मैं सोच रहा था कि आपसे शेयर करूं, बहुत सारे बंदे पूछ रहे थे, तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा सर्च किया और फिर आपको बताया, तो बेहतर है आप लोग आ सकते हैं और अपने कामरान भाई को सपोर्ट करते रहे। बस मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, अपना सपोर्ट करते रहें और अपने सपोर्ट और अपने प्यार बनाए रहें, और वीडियो को मुकम्मल वॉच करें जब भी करें तो, और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाए जो नए बंदे। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, है ना। यहाँ पे मैं थोड़ा सा घूम रहा हूँ, यहाँ पर लाइट वगैरह लगी हुई है, पेड़ वगैरह, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है।